इसी तरह रायपुर से जहां पर हनीट्रैप के तार छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, मामले में एक युवती की गिरफ्तारी हुई है। 1 करोड़ से अधिक के ब्लैकमेलिंग का मामला यहां पर बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर रही है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर हनीट्रैप के तार छत्तीसगढ़ तक पहुंचे हैं। एक युवती गिरफ्तार कर ली गई है। 1 करोड़ से ज्यादा ब्लैकमेलिंग का ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर पुलिस कल खुलासा कर सकती है। लड़की से फिलहाल पूछताछ की जा रही है पूरे मामले में। की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर मध्य प्रदेश का हनी ट्रैप मामला अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है और रायपुर से एक युवती को गिरफ्तार किया गया है। 1 करोड़ की ज्यादा ब्लैकमेलिंग का मामला है। 1 करोड़ से ज्यादा की ब्लैकमेलिंग की रकम यहां पर मांगी गई थी। फिलहाल लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और इस मामले में कल पुलिस बड़ा खुलासा भी कर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वैभव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वैभव, क्या कुछ है पूरा मामला, कैसे हनी ट्रैप की ये तार हैं छत्तीसगढ़ तक पहुंचे? वैभव, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारे संवाददाता वैभव से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो लगातार हम दर्शकों को ये खबर बता रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश का हनी ट्रैप का मामला था, भोपाल राजधानी का, इंदौर में भी हालांकि युवतियों की गिरफ्तारी यहां पर हुई है, अब इसके तार छत्तीसगढ़ तक पहुंच गए हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक युवती को यहां से गिरफ्तार किया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा की ब्लैकमेलिंग की रकम मांगी गई थी। पुलिस ने फिलहाल युवती को गिरफ्तार किया है और पुलिस कल इस मामले में कुछ नया खुलासा भी कर सकती है। लगातार संवाददाता से संपर्क साधने हम कोशिश करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए, लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि छत्तीसगढ़ से भी हनी ट्रैप मामले के तार जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश से हनी ट्रैप की आग अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है और छत्तीसगढ़ से हनी ट्रैप के तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। एक युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल कौन है युवती, कहां से है, क्या ताल्लुकात थे इसके, किसने इसको ब्लैकमेल किया, अब इस बात का खुलासा पूरी तरह से नहीं हो पाया है, लेकिन जानकारी लगातार जुटा रहे हैं। एक बार फिर से सीधा रुख करेंगे हमारे साथ वैभव, हमारे संवाददाता रायपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वैभव, क्या कुछ है पूरा मामला, कौन है युवती जिसे गिरफ्तार किया गया है? देखिए, जो युवती गिरफ्तार की गई है वो 2012 से उस युवक के संपर्क में थी और इस दौरान उनकी जो है मेल मुलाकात होती रही। बाद में फिर युवती ने एक वीडियो बना लिया और उस वीडियो के आधार पे उस युवक को ब्लैकमेल करने लग गई। तो इस ब्लैकमेलिंग में फिलहाल एक खुलासा हुआ है। युवती गिरफ्तार कर ली गई है। पुलिस फिलहाल इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है जी। मामला हनी ट्रैप जैसा ही कुछ नजर आ रहा है। पुलिस ये जरूर मान रही है कि हो सकता है युवती के साथ कुछ और लोग हो, तो उनकी तस्दीक की जा रही है। मामले में जो है जांच पड़ताल अभी जारी है और जो युवक गिरफ्तार जिस युवक ने शिकायत की थी वो युवक यही राजधानी रायपुर का ही रहने वाला है और जो युवती गिरफ्तार की गई है वो राजधानी के बाहर की है, लेकिन काफी समय से वो रायपुर में रह रही थी जी। ये पूरे जो घटनाक्रम अगर देखें तो 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। फेसबुक के माध्यम से दोस्ती होती है और फिर धीरे धीरे एक जाल बुना जाता है और उस चक्कर में वो युवक पड़ते जाता है, फंसते जाता है जी। एक तरीके से फेसबुक से दोस्ती के बाद फिर प्यार का बहाना और उसके बाद फिर शादी का दबाव और एक वीडियो तैयार होता है बनके। आप जानना ये चाहेंगे यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश के हनी ट्रैप मामले से इस युवती के कैसे तार जुड़े हुए हैं, इस चीज की पुष्टि कहाँ से होती है? देखिए, अभी तो फिलहाल ये कहना उचित नहीं होगा कि मध्य प्रदेश से इसके तार जुड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, जांच में जब मामला सामने आएगा तो कोई इस तरह की कोई बात है क्या, इसकी पड़ताल जरूर पुलिस करेगी, क्योंकि मामला मध्य प्रदेश में जो चल रहा है उसके तार छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, लेकिन
अभी हाल में जो युवती गिरफ्तार की गई है वो भी क्या इसी तरह के मामले में इन्वॉल्वमेंट रहे हैं? क्या जिन लोगों को पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस ने जिन युवतियों को गिरफ्तार किया है क्या ये युवती उनसे संपर्क में है? और क्या ये भी पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है कि फेसबुक के माध्यम से कहीं कोई गिरोह भी संचालित हो रहा है क्या? कोई इस तरह का कोई रैकेट चल रहा है? वैभव जानना ही चाहेंगे आपसे, कौन है युवती, कौन है युवती, किस लड़के से फेसबुक से ताल्लुकात इसने बैठाए थे, युवक कौन है?